नमस्कार बच्चों, तो पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार संध्या सुंदरी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। तो क्या है, जब संध्या उतरती है तो उस समय दिन की समाप्ति हो जाती है। दिन के समाप्त होते ही संध्या धीरे धीरे नीचे उतरती है और तब मेघमय आसमान से वह क्या करती है, धीरे धीरे परी के समान नीचे उतरती है। तो जब वह उतरती है तो संध्या जो है वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। किसके तरह ना, परी के समान खूबसूरत दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये जब उतरती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जब वह चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो चारों तरफ का वातावरण भी क्या है, शांत हो जाता है। कहीं भी चंचलता का आभास नहीं होता, चारों तरफ नीरवता छा जाती है। और यहाँ पे उस जब संध्या नीचे उतरती है तो क्या है, उसके जो अधर, उसके अधर किसे कहा गया है, पृथ्वी और आसमान को। ठीक है, तो संध्या के अधर किसे कहा गया है, पृथ्वी और मतलब धरती और आसमान के बीच संध्या जो है काफी मधुर दिखती है, बहुत ही सुंदर दिखती है संध्या। तो इसके अलावा जो है वह जब नीचे उतरती है तो कोई हास विलास नहीं, कोई हस्ती नहीं है उसमें, कोई चंचलता नजर नहीं आता, वो मौन रहती है। ठीक है, कोई भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। वह क्या है, मेघमय आसमान से धीरे धीरे चुप्पी साधे हुए नीचे उतरती है। वह काफी गंभीर होती है जब वह नीचे उतरती है। हंसता है तो केवल तारा एक। तो संध्या सुंदरी जब नीचे उतरती है तब आसमान जो है वह आसमान में क्या है, अंधेरा छा जाता है और सिर्फ उस समय एक तारा जो है हंसता हुआ नजर आता है। और वह तारा कौन सा है, ध्रुव तारा। देखना, आसमान में सबसे पहला जो है ध्रुव तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो आसमान को जो है संध्या सुंदरी के केश कहा गया है, मतलब संध्या सुंदरी के घुंघराले बाल कहा गया है। तो वही कहा गया, देखो, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। तो ये जो तारा है वह कहाँ गुथा हुआ है, संध्या सुंदरी के घुंघराले बालों में क्या है, यह गुथा हुआ है। हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो हृदय राज की रानी जो है मतलब संध्या सुंदरी का अभिषेक कौन करता है ना, यह ध्रुव तारा करता है। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की कली। तो यहाँ पे देखो, संध्या सुंदरी को अलसता की लता कहा गया है। किसे अलसता की लता कहा गया है ना, संध्या सुंदरी को कहा गया है। कोमलता की कली किसे कहा गया है, संध्या सुंदरी को कहा गया है। इस प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आता है, तो ये सब ध्यान रखना, लाइन टू लाइन जो है तुम लोग इसको पढ़ लेना। सखी नीरवता के कंधे पर डाले। तो यहाँ पर संध्या सुंदरी की सखी किसे कहा गया है ना, संध्या सुंदरी की सखी नीरवता को कहा गया है। संध्या सुंदरी की सखी कौन है, नीरवता। तो नीरवता के कंधे पर बाहें डालकर, हाथ डालकर ये संध्या सुंदरी जो है अंबर पथ से मतलब आसमान से वह धीरे धीरे नीचे उतर रही है। तो यहाँ तक आपका मेरे ख्याल से समझ में आया गया होगा। फर्स्ट पैराग्राफ देखो, तो गुथा हुआ घुंघराले काले काले बालों में, तो काले काले बालों में क्या गुथा हुआ है, तारा गुथा हुआ ऐसा लगता है। और वह तारा बहुत ही खूबसूरत क्या है लग रहा था। तो संध्या सुंदरी के केश बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, किसके कारण ना, यह टिमटिमाते हुए तारे के कारण, तारा के कारण। वो तारा कौन सा है ना, ध्रुव तारा है। और अलसता, हृदय राज की रानी का अभिषेक कौन कर रहा है ना, संध्या सुंदरी मतलब सॉरी ध्रुव तारा संध्या सुंदरी का अभिषेक कर रहा है। वह अलसता की लता के समान नीचे उतरती है और कोमल है, काफी कोमल है। संध्या सुंदरी कैसी है, कली के समान कोमल है। और वो उसकी सखी कौन है, उसकी सखी नीरवता है, क्योंकि वह नीरवता के कंधे पर हाथ ढाले वह नीचे धीरे धीरे उतर रही है। तो वो किस पथ से नीचे उतर रही है, वह अंबर पथ से नीचे उतर रही है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, नहीं बसती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग विराग, नुपुर में भी रुन झुन झुन नहीं,
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो ये देखो, संध्या सुंदरी जब नीचे उतरती है तब चारों तरफ का वातावरण कैसा होता है, एकदम से नीरव। तो कहीं भी वीणा का भी शब्द नहीं सुनाई देता, ना ही कहीं कोई देखना कोई शोरगुल सुनाई पड़ता है, ना ही कहीं कोई नुपुर की ध्वनि सुनाई देती है, ना ही कोई रुंझुनकिया का ध्वनि। तो सिर्फ क्या है, चारों तरफ चुप्पी छाई रहती है। तो संध्या सुंदरी जब नीचे उतरती है क्या है, चारों तरफ नीरवता छाई रहती है, चारों तरफ चुप्पी छाई रहती है, कहीं कोई गूंज सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट देखो पैराग्राफ, व्योम मंडल में जगती तल में। तो यहाँ देखो, जब संध्या का आगमन होता है चारों तरफ आसमान से लेकर धरती तक चारों तरफ क्या है, नीरवता छा जाती है। सोती शांत सरोवर, यहाँ तक जो तालाब है वह भी शांत हो जाती है। पर उस अमल कमलिनी दल में, देखो सरोवर में क्या है, जो कमलिनी दल है, कमल के फूल हैं, वे भी मानो शांत हो जाते हैं, उसमें कोई भ्रमर नहीं गूंजता। दिन के समय क्या है, मधुपान करने के लिए भ्रमर आते हैं, पर संध्या के समय फूलों पर भी कोई गूंज नहीं सुनाई पड़ता। सौंदर्य गर्वित सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। तो नदियां जो लहराती हैं, तो नदियां भी क्या है, संध्या के समय शांत हो जाती है, उसमें कोई ध्वनि या कलकल की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। ये जो हिमगिरी है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी है, वह भी एकदम अडिग सिर खड़ी रहती है, एकदम शांत खड़ी रहती है। शिखर अपना क्या है, सिर ऊंचा, शिखर जो है अपना सिर ऊंचा कर अडिग खड़ी रहती है। जो हिमालय है वह भी बिल्कुल शांत हो जाती है, उसमें भी नीरवता छा जाती है। उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। यहाँ तक देखो, जो समुद्र है, समुद्र में दिन के समय देखो काफी गर्जन सुनाई पड़ता है, ऊंचे ऊंचे जो लहर है वह शांत हो जाते हैं, कब ना संध्या के समय। जो गर्जना दिन में सुनाई पड़ रहे थे, शाम को मतलब संध्या के समय यही गर्जना शांत हो जाती है। शिति में जल में नभ में अनिल अनल में, मतलब धरती से आसमान तक वायु में हर कहीं क्या है, शांति छा जाती है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। तो सिर्फ एक ही शब्द सुनाई पड़ता है, शब्द यानी क्या, चुप्पी, मतलब यहाँ पर कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता, चारों तरफ क्या है, नीरवता छाई रहती है। सिर्फ क्या देखते हैं, चारों तरफ चुप्पी छाई हुई है। है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं, चारों तरफ क्या गूंज रही है, न चारों तरफ कुछ भी गूंज नहीं रही है, चारों तरफ सिर्फ शांति का वातावरण है, शांत परिवेश है। संध्या जब नीचे उतरती है तो चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, कहीं कोई शोरगुल नहीं। यहाँ तक धरती से आसमान तक, मतलब यहाँ पे कहा गया, चाहे वह सरोवर हो, कमल दल हो, तुम्हारा हिमालय पर्वत हो, या नदी, फिर समुद्र, चारों तरफ क्या है, उनमें जो तरंग के कारण जो कोलाहल है वह भी शांत हो जाता है। आगे देखो हम पढ़ेंगे, जब संध्या नीचे उतरती है तो ऐसा लगता है मानो वह अपने साथ मदिरा लेकर नीचे उतर रही हो। तो वही हम पढ़ रहे हैं, देखो, मदिरा की वह नदी बहाती आती। तो संध्या जब नीचे उतरती है तो अपने साथ मदिरालय लेकर आती है। थके हुए जीवों की वह सस्नेह, क्योंकि जब वह नीचे उतरती है तो ऐसा लगता है मानो सब कोई थक गए हैं और मदिरा पान कर मानो इधर उधर क्या कहें, मतलब टहल रहे हैं, क्योंकि वे लोग बिल्कुल थके हुए होते हैं, लेटने के लिए व्यस्त हो जाते हैं।
तो सिर्फ जो जीव है, प्राणी है, वे क्या है, संध्या के समय दिन भर परिश्रम करने के बाद संध्या के वक्त क्या है, सभी बहुत थक जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो वे एकदम सो पड़ेंगे, गहरी निद्रा में सो पड़ेंगे, ऐसा मानो प्रतीत होता है मानो उन्होंने क्या किया है, मदिरा पान कर लिया हो। प्याला एक पिलाती सुलाती उन्हें अंक पर अपने, मतलब ऐसा लगता है मानो संध्या सुंदरी सभी को क्या है, एक एक प्याला मदिरा उसने पिला दिया है और सभी को वह अपने गोद में सुला रही हो। दिखलाती फिर विस्मृत के वह अनगिनत मीठे सपने, तो क्या है, सभी को मदिरा पान करवा कर वह अपने गोद में सभी को लिटा देती है, सुला देती है और सभी को क्या है, मीठे मीठे सपने दर्शाती है, दिखाने लगती है। लोग क्या है, जब सोते हैं तो क्या है, वे सपने देखते हैं, रात को क्या है, सोते वक्त मीठे मीठे सपने देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो संध्या सुंदरी सभी को गंभीर निद्रा में सुलाकर, अपने गोदी में सुलाकर सभी को क्या है, अनगिनत सपने दिखाती है। लास्ट पैराग्राफ हम देखें पढ़ेंगे। अर्ध रात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनिया कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो इसी प्रकार जब सब सो जाते हैं, प्राणी जगत सो जाते हैं, लेख यहाँ पे कवि भी कहते हैं, जब अर्ध रात्रि में सब सो जाते हैं तब उनके मन में क्या है, अनुराग जागृत होता है और यह जो उनके उनका जो जीवन विरहाकुल में व्यतीत हुआ है तो वही विरह गीत के रूप में वह गुनगुनाने लगते हैं। तो उनके गले से कंठ से क्या निकल पड़ता है, विहाग निकल पड़ता है, मतलब जो गीत है संगीत है वह विहाग, उनके जीवन के जो विरह है, उन विरह रूपी जो विहाग है वह उनके कंठ से अर्ध रात्रि में गूंजने लगते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह संध्या सुंदरी नामक कविता आपको समझ में आया होगा। तो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वह मैं आपको पीडीएफ के माध्यम में भेज दूंगी। धन्यवाद।